Assalamualaikum dear nursery class, how are you? Nursery class, today we are going to solve page number 16 from math second and third term printed copy. First of all, mention CW, date and day. Already in nursery class, हम zero के spellings जो है वो read and write कर चुके हैं. But today we are going to read and write number one. आज हम one की spelling को learn करेंगे और write करेंगे. Okay? How to spell of one? O N E one. O N E one. नर्सरी क्लास आपने मेरे साथ इसको रीड करना है. O N E one. O N E one. Okay, let's start the work. First of all, one in numbers. हम वन राइट करेंगे एंड देन स्पेल ऑफ वन. यहाँ से आपने इसको सी की तरह राउंड किया, ओ बना के आपने यहाँ से ओ की ऊपर से ये कैप बना देनी है. ओ देन स्ट्रेट नीचे इसी के ऊपर आपने पेंसिल को वापस लेके जाना है एन, और यहाँ से आपने स्लांट में स्लांट और यहाँ से ई को टर्न कर देना है. O N E one. अगेन देखें, हम पहले नंबर्स में राइट करेंगे वन, देन स्पेलिंग्स राइट करेंगे वन के. O यहाँ से इसको टर्न करके उसकी कैप बनाएंगे, स्ट्रेट नीचे इसी को ऊपर टर्न वापस N, N की टू स्टिक्स आपने बना दी और यहाँ से स्लांट E राइट कर देना है. O N E one. अगेन राइट करेंगे नंबर्स में वन, स्पेलिंग्स राइट करेंगे वन के. O N slant और E राइट कर देंगे. O N E one. स्ट्रेट वन, देन वन की स्पेलिंग O N E one. How to spell of one? O N E one. O N E one. इस पोर्शन को आपने बहुत अच्छे से नर्सरी क्लास कंप्लीट करना है नीट राइटिंग में, और आपने वन के स्पेलिंग को भी लर्न करना है. Our next question is addition sums. Addition sums कहते हैं प्लस के क्वेश्चंस को जमा करना है आपने इनको. ठीक है, हम ऑलरेडी पहले भी हम पिक्चर एडिशन सम्स सॉल्व कर चुके हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज पिक्चर एडिशन सम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन को देखते हैं कि कौन सा साइन है. विच साइन इज दिस? प्लस. विच साइन इज दिस? प्लस. हम प्लस के साइन को सर्कल कर देंगे, और हमने सबसे पहले जो है वो प्लस की इस साइड की पिक्चर्स को काउंट करना है, देन हमने प्लस की इस साइड की पिक्चर्स को आपने काउंट करना है. टेल मी विच पिक्चर इज दिस? कैट. पहले हमने जो है वो प्लस की इस साइड की कैट्स को काउंट करना है. हाउ मेनी कैट्स? वन टू. टू कैट्स. अब हम प्लस की इस साइड की जो है वो कैट्स को काउंट करेंगे. वन टू थ्री. थ्री कैट्स. अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे, इकट्ठा काउंट करेंगे कि ये हाउ मेनी कैट्स. वन टू थ्री फोर फाइव. हाउ मेनी टोटल कैट्स? फाइव. यहाँ आपने यू के नीचे फाइव राइट कर देना. जो भी सिंगल डिजिट होता है उसको हम यू के नीचे यूनिट के नीचे राइट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्टारफिश. पहले हम प्लस के साइन को सर्कल करेंगे, और अब हम प्लस के इस साइड के पहले स्टारफिश को काउंट कर लेते हैं. वन टू थ्री. थ्री स्टारफिश. अब हम प्लस के इस साइड की भी पिक्चर्स को काउंट करते हैं. वन टू थ्री. अब हम इनको टोटल काउंट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. हाउ मेनी टोटल स्टारफिश? सिक्स.
Next है hen. First of all, which sign is this? Plus. Circle it. Then count करेंगे 1, 2. Plus के इस side पे जो है वो हमारे पास 2 hen है. अब हम plus के इस side पे count करते हैं 1, 2. अब हम इनको total यानी इकट्ठा count करेंगे 1, 2, 2, 3, 4. How many total hens are? There are 4 hens. यहाँ पे हम 4 write कर देंगे. Last है, how many footballs are there? First of all, plus के sign को circle करना है. और plus के इस side पे जो है हम footballs को count करते हैं 1. Plus के इस side पे जो है हमारे पास 1 है. अब हम plus के इस side के footballs को count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हम total footballs को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many total footballs are there? 8 footballs. ओके नर्सरी क्लास, आपने इस फुल पेज को बहुत अच्छे और नीट राइटिंग में आपने मम्मा के पास बैठ के सॉल्व करना है. देन आपने इन पिक्चर्स में अच्छे से कलर भी करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.